हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए अपनी पढ़ाई के। आप लोग बहुत ही मस्त और झकास तरीके से कर रहे हो गए। तो जैसा कि पता कि हम लोग का चैप्टर क्या चला था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। हम लोग का चैप्टर यहाँ पर चल रहा था। हम लोग चैप्टर में क्या कर रहे थे कि इसमें हम लोग हर वैरायटी वाले क्वेश्चन पढ़ने का यहाँ पर प्रयास कर रहे थे। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमको क्या रखा था, हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको दे रखा था। हमसे क्या रहा था, एपी के 4 टर्म तक, मतलब एपी के 4 टर्म निकालो शुरुआत के, इतना क्वेश्चन था। अभी इसमें उल्टा कह रहा है, हमको इसमें एपी दे रखी है। भाई देखो, ये हमको तीनों के क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी इज, ठीक, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमको क्या निकालना है यहाँ पर है, एपी के क्या निकालना है, हमको एपी दे रखी है, हमको सबसे क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको यहाँ पर निकालना है। तो अगर पहले देखो, अगर इसको इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में करते हैं हम लोग को समझ भी आ जाएगा। तो पहला पार्ट हमको दे रखा है, ठीक, यहाँ देखो इधर फर्स्ट। अगर इसमें आंसर की बात करेंगे तो पहला पार्ट का कह रहा है हमको, देखो ए हमको मिल जाएगा 0.6 की समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसी को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं ना। तो हम लोग का ए क्या हो जाएगा, ए हम लोग का 0.6 हो जाएगा। अब ध्यान देना, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, होता है फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमको दे रखा है, और देखो ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हमको सेकेंड टर्म क्या मिल जाएगा, 1.7 मिल जाएगा, और फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा, 0.6 हमको मिल जाएगा। ध्यान देना, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1.1 क्या जाएगा, ये हम, ये हमारा डी, डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो हमको ए और डी हमको यहाँ पर मिल जाएगा। पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकेंड वाले आंसर की बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर है। तो सेकंड वाला का कह रहा है, कह रहा 1.1 अपान का 3, 5 अपान का 3, 9 अपान का 3, 13 अपान का 3, ये हमको एपी यहाँ दे रखी है। तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या हमको दे रखा है, 1 अपान का 3 दे रखा है। हमको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो अगर कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, हम कॉमन डिफरेंस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है, सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, ये हम लोग को कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हमको दे रखा है 5 अपान का 3 दे रखा है, माइनस का फर्स्ट टर्म हम लोग को दे रखा है 1 अपान का 3 दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे तो दो दो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये आपका 3 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। तो 4 अपान का 3 क्या हो जाएगा, ये सेकेंड वाले क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। अब लास्ट थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए कितना हमको दे रखा है, देखो हमको एपी का दे रखी है, -5 -1 3 7 हमको दे रखा है, ठीक है, ये हमको एपी में दे रखा है हमसे। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हमारा -5 क्या हो जाएगा, ये हमारा ए आ जाएगा। हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस अच्छा होता क्या है, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस को डी से भी लिख सकते हैं। तो आप लोग चाहो यहाँ पर डायरेक्ट डी लिख लो। अभी आप लोग नया नया टॉपिक पढ़ना शुरू किए हो, अभी तक शॉर्ट फॉर्म नहीं करेंगे, बाकी आगे तो शॉर्ट फॉर्म से ही बताया जाएगा। तो एक तरह जाएगा सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हम लोग को दे रखा है -1 दे रखा है, फर्स्ट टर्म हम लोग का देखो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, -5, ये वाला माइनस पहले से है तो -5, और ये माइनस कितना जाएगा, ये -5 और ये +5 आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा हम लोग को, +4 क्या आ जाएगा, +4 हम लोग का कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं दोस्तों, जय हिंद।